क्या करा यहाँ पर हमने दोनों तरफ माइनस एक से गुणा कर दिया, क्या करा दोनों तरफ माइनस एक से गुणा कर दिया है। ओके, कोई डाउट यहाँ पर आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से करना है। काफी सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन करने के, ठीक है, कॉन्सेप्ट चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे सिंपल सा माइनस को उस तरफ भेज दो, बी का मान आ जाएगा माइनस का एक। ओके, इस तरीके से अब आपको करना है सी बटे ए, मतलब सी को इक्वल टू करना है। अब आपको इसको इससे कंपेयर करना है, तो ए का मान कितना आ गया आपका चार आ चुका है, सिंपल सी बात है। और आपको करना है सी को इक्वल करना है किससे, माइनस के चार से, मतलब ऊपर वाले को ऊपर से, यानी कि सी का मान कितना आ चुका है, माइनस का चार आ चुका है। ए का मान आपको मिल चुका है, बी का मान आपको मिल चुका है, सी का मान आपको मिल चुका है, सिंपल सा इनसे को आपको इसमें पुट कर देना है। मैं इसको मान लो समीकरण एक, ठीक है, तो आपको ए बी एंड सी का मान, आपको ए बी एंड सी का मान, सी का मान समीकरण एक में रखने पर, में पुट करने पर, मतलब रखने पर, रखने पर, ठीक है, तो समीकरण एक क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए का मान दे रखा है चार, तो चार एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो गया, प्लस में बी का मान आपको दे रखा है कितना माइनस का एक, तो माइनस का एक यहाँ पर रख देंगे, इंटू में एक्स यहाँ पर कर देंगे, प्लस में सी, सी का मान कितना दे रखा है माइनस का चार, तो माइनस का चार यहाँ पर रख देंगे सिंपल सा, ठीक है। फोर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और एक्स यहाँ पर एडजेक्टिव आ गया, प्लस माइनस माइनस चार यहाँ पर एडजेक्टिव आ गया, और ये आपको बन चुका है द्विघात बहुपद, और ये आपको निकालना था, और ये आपका फाइनल आंसर है। उतार लीजिए जल्दी से इसको, 30 सेकंड आप सभी के पास है। एक क्वेश्चन लास्ट में और समझाऊंगा, उसके बाद लाइव को एंड कर देंगे, फिर बहुत लाइव हो चुका है, बहुत लंबी लाइव हो चुकी है, ठीक है, अराउंड 55 मिनट हो चुका भाई, बाकी रिकॉर्डेड जाके देखना, ठीक है, समझ में तो आ चुका होगा वैसे, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, बाकी आप लोग जो भी डाउट आए कमेंट जरूर करना, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, जो भी रूट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी बच्चों डाउट आते हैं रूट वाला क्वेश्चन का, ठीक है, कि रूट वाला बताऊँ, तो जीरो और रूट फाइव, यानी कि थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, मैं पूरा कंप्लीट करवा था, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट कभी और लाइव लेंगे, करवा देंगे फिर एक एक करके वन शॉट, आप लोग भी याद रखेंगे फिर, तो पाँच ही क्वेश्चन रह गए, वैसे ज़्यादा नहीं रहेगा, पाँच ही रहेगा सिर्फ, चलो देख लेते हैं, समझ में आ गया ना कैसे वेरीफाई करना है। सिंपल सा आपको सिर्फ यही निकालना है जो कि आपने निकाल लिया है। ओके, ठीक है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद बहुपद आपने निकाल दिया, ठीक है, उतारो जल्दी से फास्ट तुरंत, 30 सेकेंड आपके पास है, अरे और टाइम मिल जाए, टेंशन मत लो, उतार लो जल्दी से, और टाइम भी मिल जाएगा, टेंशन मत लो, उतार लो। और कौन सी क्लासेस की लाइव चाहिए अभी ये बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हो, ठीक है, लाइव एंड होने के बाद लाइव सेव हो जाते हैं, तो उसमें आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं कमेंट में, ठीक है, लाइव डिलीट नहीं करूँगा, टेंशन मत लो, चलो आप लोग बता लेगा, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, चाहे तो आप जांच भी कर सकते हो, जो आपने द्विघात समीकरण निकाला है ना, रिवर्स चलो, मतलब उसे शून्य निकालो, ठीक है, फिर शून्य को योग करो, तो आपका सिंपल यही आने वाला है। और फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको एक चीज और निकालना था, देखो एक चीज और बताना, ठीक है, फिर से वही वाला, मतलब एक चीज छूट गया फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, देखते हैं, ठीक है, जितना भी आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा ना उसमें एक चीज़ छूट गया आपका, पता है क्या चीज़, अल्फा प्लस बीटा, ये वाली चीज़ जो कि मैंने आपको समझा दिया, अब आप लोग कर लेंगे, ठीक है, इसलिए मैं छोड़ा था आप सभी के लिए, जानबूझकर वहाँ पर आपको नहीं बताया था मैंने, अब आप लोग उसको खुद से करेंगे। ओके, आपको मैं कॉन्सेप्ट बता दिया कैसे करना है, आपने अल्फा और बीटा निकाल लेता, वहाँ पर निकाल लेता ना, आपको करना है फर्स्ट क्वेश्चन में, आपने इतना पार्ट कर रखा है अभी तक, ठीक है, मतलब शून्य ज्ञात कर लिया आपने, अब आपको निकालना है शून्य को तथा गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है, संबंध मतलब कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, वो आपको निकालना है। आपके लिए मैं छोड़ा था तब तक छोड़ा था आपके लिए, और मैंने आपको समझा दिया अभी इस टाइम, ठीक है, अब आप लोग कर सकते हैं। ओके, वो आप सभी का होमवर्क है और आपको ट्राई करना है, नहीं आया तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आप सभी रिकॉर्डेड लेक्चर में करवा रखा है, रिकॉर्डेड लेक्चर आपके लिए पड़ा हुआ है, जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। ओके, लास्ट एक क्वेश्चन और करवाने वाला हूँ, उसके लाइव को एंड कर देंगे, फिर काफ़ी लंबी लाइव हो चुकी है, ठीक है, ये चीज़ करना है, ठीक है, कैसे करोगे, एक क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं फिलहाल में, कोई भी क्वेश्चन ले लो, जैसे कि मान लिया जैसे यार क्वेश्चन ले लो, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 15 था ना, एक समझा देना क्वेश्चन, ठीक है, उसके यहाँ पे आप लोग कर लेना, ठीक है,